पिछले कुछ दिनों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने कोई ओबीज बच्चा नहीं देखा हो। 10 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 8 साल का, 11, 12, उनका वेट 50 kg तक टच कर रहा है। एंड इससे ज़्यादा दुख की बात क्या है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि हमारा बच्चा इतना ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। उनमें से जिन दो के मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए, दे ऑलरेडी हैड फैटी लीवर, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, फैटी लीवर, एंड अभी तो उनका ग्रेड 1 या 2 ही था जो कि रिवर्सिबल है। अगर ये ग्रेड 3, ग्रेड 4 हो जाएगा तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। इन बच्चों को 25 ईयर, 30 ईयर की एज पर ही डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम्स वो होने लग जाएंगी। जो मेडिसिन एक 50 ईयर्स के या 60 ईयर्स के पेशेंट को चाहिए होती हैं, वो मेडिसिन 30 ईयर्स पर शुरू हो जाएंगी। सो माई डियर पेरेंट्स, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि करंट लाइफ स्टाइल इज़ नॉट द लाइफ स्टाइल। और ये एटीट्यूड कि एक चॉकलेट तो खाई इससे क्या हो जाएगा, एक पिज़्ज़ा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक करके बहुत कुछ हो जाएगा। ये हम पेरेंट्स को ही समझना होगा कि बच्चे को कहाँ लिमिटेशन देनी है। ओबेसिटी प्रिवेंशन के लिए दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी एंड गुड हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, और कुछ भी नहीं चाहिए। एक अच्छे से मूवमेंट भरा डे हो बच्चे का, जिसमें से 1 आवर की वो फिजिकल एक्टिविटी, विग्रस वाली एक्टिविटी हो, और एक बैलेंस्ड डाइट हो बच्चे का, जिसमें ज़्यादातर घर का ही खाना हो, जिसमें हमें रिफाइंड ऑयल्स कम करने होंगे, हमें उनका फ्राइड फूड इंटेक कम करना होगा, हमें उनका शुगर इंटेक कम करना होगा, मेयोनीज, चीज़ जैसी चीज़ें कम करनी होंगी, जैम्स, सॉसेस कम करनी होंगी। कोशिश करनी है कि उनको बचपन से ही इन चीज़ों की एडिक्शन ना पड़े। इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो बन ही गया है, बट सून ही इंडिया चाइल्डहुड ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया। दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से। थैंक यू।